मासूम तेरी किस्मत पर जिंदगी भी हैरान है। ये बच्चा शहीद जवान मोहम्मद जावेद अली का है, दूसरा बच्चा जवान की विधवा के गर्भ में है। एक बच्चा जिसने अपने पिता को तो देखा, पर उसे नहीं पता देश की खातिर उसके पिता ने जान की बाजी लगा दी। लेकिन दूसरी औलाद मां के गर्भ में है। दुनिया में जब आएगा तो पिता की तस्वीर ही उसके सामने होंगी। जावेद अली 2010 में सेना में भर्ती हुए थे, 2015 में शादी हुई और ठीक 4 साल बाद उनके घर मौत की खबर आई तो घर के साथ ही गांव में चित्कार मच गया। मां दहाड़ मारकर रो रही है, पत्नी की आंखों के आंसू सूख गए, सपने बिखर गए। जम्मू कश्मीर में पूंछ जिला। अच्छा, किसके तरफ से फायरिंग हुई थी? पाकिस्तान के तरफ से फायरिंग हुई थी, उसी में मतलब हाँ मतलब गोली, मुठभेड़ में गोली लग गया। किनको गोली लगी? जावेद, मतलब मोहम्मद जावेद अली, वहीं पर एक्सपायर कर गए। वहीं पर मतलब शहीद हुए। जावेद अली जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में तैनात थे, लेकिन पाकिस्तान से सीज फायर उल्लंघन में शहीद हो गए। एक मुसलमान का बेटा देश की खातिर शहीद हो गया। शहीद जवान का शव जवाएगा तो भारत माता की जय के साथ ही अल्लाह अकबर की गूंज होगी। एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन देश की खातिर जान देने वाले इस जवान को श्रद्धांजलि देने कौन कौन पहुंचेगा, ये देखना होगा। कशिश की भी नजर रहेगी। देश में अल्पसंख्यकों को दूसरी नजर से देखने वाले देख लो, आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो, एक मुसलमान के बेटे ने देश के लिए जान दी है। इस बेटे के पिता की सुनो, जो देश के लिए अपने दूसरे बेटे को भी सीमा पर दुश्मनों से लड़ने के लिए भेजना चाहता है। हम और बेटा को दे सकते, देश के लिए और बेटा को दे सकते, देश के लिए शहीद हो गया हमारा। जरा याद कीजिए पीएम मोदी की 3 मार्च की रैली को। उसी दिन जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए बेगूसराय के लाल पिंटू सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा था, पर सरकार का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकल्प रैली के मंच से पिंटू सिंह को सलाम जरूर किया था। बिहार का लाल फिर शहीद हुआ है। मोहम्मद जावेद अली के पार्थिव शरीर आने का इंतजार है और उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले बड़े लोगों का भी इंतजार है, और इस पर कशिश की भी नजर बनी रहेगी। खगड़िया से कशिश न्यूज के लिए स्वतंत्र कुमार की रिपोर्ट। मासूम तेरी किस्मत पर जिंदगी भी हैरान है। ये बच्चा शहीद जवान मोहम्मद जावेद अली का है, दूसरा बच्चा जवान की विधवा के गर्भ में है। एक बच्चा जिसने अपने पिता को तो देखा, पर उसे नहीं पता देश की खातिर उसके पिता ने जान की बाजी लगा दी। लेकिन दूसरी औलाद मां के गर्भ में है। दुनिया में जब आएगा तो पिता की तस्वीर ही उसके सामने होंगी। जावेद अली 2010 में सेना में भर्ती हुए थे, 2015 में शादी हुई और ठीक 4 साल बाद उनके घर मौत की खबर आई तो घर के साथ ही गांव में चित्कार मच गया। मां दहाड़ मारकर रो रही है, पत्नी की आंखों के आंसू सूख गए, सपने बिखर गए। जम्मू कश्मीर में पूंछ जिला। अच्छा, किसके तरफ से फायरिंग हुई थी? पाकिस्तान के तरफ से फायरिंग हुई थी, उसी में मतलब हाँ मतलब गोली, मुठभेड़ में गोली लग गया। किनको गोली लगी? जावेद, मतलब मोहम्मद जावेद अली, वहीं पर एक्सपायर कर गए। वहीं पर मतलब शहीद हुए। जावेद अली जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में तैनात थे, लेकिन पाकिस्तान से सीज फायर उल्लंघन में शहीद हो गए। एक मुसलमान का बेटा देश की खातिर शहीद हो गया। शहीद जवान का शव जवाएगा तो भारत माता की जय के साथ ही अल्लाह अकबर की गूंज होगी। एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन देश की खातिर जान देने वाले इस जवान को श्रद्धांजलि देने कौन कौन पहुंचेगा, ये देखना होगा। कशिश की भी नजर रहेगी। देश में अल्पसंख्यकों को दूसरी नजर से देखने वाले देख लो, आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो, एक मुसलमान के बेटे ने देश के लिए जान दी है। इस बेटे के पिता की सुनो, जो देश के लिए अपने दूसरे बेटे को भी सीमा पर दुश्मनों से लड़ने के लिए भेजना चाहता है। हम और बेटा को दे सकते, देश के लिए और बेटा को दे सकते, देश के लिए शहीद हो गया हमारा।
जरा याद कीजिए पीएम मोदी की 3 मार्च की रैली को। उसी दिन जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए बेगूसराय के लाल पिंटू सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा था, पर सरकार का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकल्प रैली के मंच से पिंटू सिंह को सलाम जरूर किया था। बिहार का लाल फिर शहीद हुआ है। मोहम्मद जावेद अली के पार्थिव शरीर आने का इंतजार है और उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले बड़े लोगों का भी इंतजार है और इस पर कशिश की भी नजर बनी रहेगी। खगड़िया से कशिश न्यूज के लिए स्वतंत्र कुमार की रिपोर्ट।